हुए मैंने भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 और 351 के उपबंधों और जनसाधारण विशेषकर बिहार राज्य की भाषा हिंदी होने का गहनतापूर्वक विचार किया। इस प्रकार निर्देश का उत्तर यह है कि भारत के संविधान के 26 और 27 के अधीन यू आर रीडिंग इन हिंदी, डू यू थिंक दैट आई विल अंडरस्टैंड? व्हाई यू वांट टू रीड अननेसेसरी? भाई जो जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है, पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाईकोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर अभी हाँ तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए।